पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। कहाँ जा रहा है बेटा? वो शांटी के लिए एंगेजमेंट रिंग लेने जा रहा था। मेरी शांटी से बात हुई थी, मैंने उससे पूछा अगर वो साथ आ सकता है, पर उसने कहा वो बिजी है और अगर उसे पहले मालूम होता तो शायद आ जाता, लेकिन अब वो अपना स्केड्यूल ऊपर नीचे नहीं कर पाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं खुद जाकर देख लेता हूँ। और वो मीत के लिए भी रिंग लेनी थी ना, जैसे कल बात हुई थी। अब लाइट, डेकोरेशन, खाना पीना, गाना बजाना तो हो गई, तो मैं सोच रही हूँ इस मॉल में ना हम दोनों भी सगाई कर ही लेते। आपके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है ना, ये तब होता है जब आप कुछ कहना चाहती हैं लेकिन आप समझ नहीं पाती कि वो बात सबके सामने कैसे रखी जाए। भाई वाह, कमाल है भाई, है क्या ऑब्जर्वेशन है? तुझे तो माइंड रीडर होना चाहिए। अच्छा चलिए बताइए, क्या बात चल रही है आपके मन में? इट्स मीत बहू, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच में मीत बहू ने शांटी को एक्सेप्ट कर लिया और दिल से इस रिश्ते के लिए मंजूरी दी है, या फिर वो कोई और तमाशा तो नहीं कर देगी। नहीं नहीं मॉम, आई एम वेरी श्योर मीत ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। आई रियली होप सो, क्योंकि अब अगर उसने कोई भी गलती कर दी ना, तो मेरे भाई के साथ मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। मॉम, आपके और मामू के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 200%। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, और अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है तो मैं एक बार मीत से बात कर लेता हूँ, तो फिर सब। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। देखो बहू बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और समझदार लड़की है, ऐसे वो अननेसेसरीली कोई सीन क्रिएट करने के लिए तो कुछ करेगी नहीं। हाँ, अगर तू दोबारा उससे बात करने जाएगा तो शायद उसको बुरा लग सकता है, तो बेटर है कि बात ना कर। और तेरी मॉम ठीक है, तू जा। ठीक है डैड, मैं फिर ये रिंग वाला काम खत्म कर लेता हूँ। बाय डैड, बाय। परेशान मत होइए, सब ठीक। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।